देखिए, अब हम समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट. एक होता है जी डी एंड टी, हम इस तरह से बोलते हैं जी डी एंड टी. ये जी डी एंड टी क्या है और ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है इतना, और इसमें हमने जी डी एंड टी के बारे में समझना क्यों है. पहले ये बात समझिए कि टॉलरेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, कि हम कोई भी दुनिया में कोई भी बंदा कोई भी परफेक्ट चीज नहीं बना सकता. इतनी सी बात समझ लीजिए, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. आप कोई मशीन पे कोई चीज बनाएंगे और कहेंगे कि मैं परफेक्ट बना दूंगा, आप गलत हो, आप ऐसा नहीं कर सकते. मैं आपको बोलूंगा कि मान लीजिए 50 mm की शाफ्ट और मान लीजिए कि 10 मीटर लंबी एक शाफ्ट बनानी है और आप वो शाफ्ट को परफेक्ट बना दीजिए. आपको कि सर परफेक्ट का मतलब, मैं कहूंगा 50 mm का डायमीटर, मतलब 50 mm का डायमीटर, लेंथ एग्जैक्ट 10 मीटर की और ये स्ट्रेट जानी चाहिए. अगर ऐसे करके बिल्कुल जीरो जीरो होना चाहिए, बिल्कुल शाफ्ट जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कहीं भी सर्कल उसका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कहीं भी उसकी लेंथ टेढ़ी मेढ़ी ना, हल्की भी टेढ़ी मेढ़ी ना होगी, हो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, ऐसी परफेक्ट बना के दिखाइए. तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता. ना तो हम डायमेंशन हमेशा 100% सही बना सकते हैं, ना उसकी ज्योमेट्री डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ज्योमेट्री का मतलब उसकी शेप से है, शेप से है. अगर मैं कहूं कि एंगल, मान लीजिए किसी के कटिंग करना है, एंगल बनाना है 30 डिग्री का, आप 100% 30 डिग्री एग्जैक्ट नहीं बना पाओगे, कहीं ना कहीं वेरिएशन उसमें हल्की फुल्की आ जाएगी. तो हम कहेंगे उसमें टॉलरेंस दे दिए. शेप आ गई ना इस तरह से, ऐसे शेप आ गई, तो किस तरह की शेप है. हम कहेंगे कि कोई सरफेस बनाओ, बिल्कुल प्लेन बना दो, ऐसे बिल्कुल जीरो जीरो सरफेस बनाना चाहिए, बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए. आपको कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. तो आप चाहे डायमेंशन की बात करो, चाहे वो डायमीटर की लेंथ की इस तरह से डायमेंशन की बात करो, चाहे उसकी शेप की बात करो कि किस तरह की शेप है, उन दोनों के लिए हमें टॉलरेंस देने पड़ते हैं. टॉलरेंस अगर डायमेंशन में दो तो डायमेंशनल टॉलरेंस कहलाएगा, अगर उसकी ज्योमेट्री में दो तो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कहलाएगा. तो इसलिए ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल टॉलरेंस हम पढ़ते हैं, तो हमारी ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, डायमेंशनल भी हो सकता है. डायमेंशनल में हमने पहले समझा हुआ है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 50 ± 0.10 इस तरह से लिखते हैं, तो डायमेंशन में हमने टॉलरेंस दे दिया कि प्लस में आप इतना जा सकते हो, माइनस में इतना जा सकते हो. लेकिन हमने ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के बारे में नहीं पढ़ा हुआ कि ज्योमेट्रिक टॉलरेंस किस तरह से दे सकते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं. इस तरह से हम कभी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस को देखते हैं तो फीचर कंट्रोल फ्रेम होता है हमारे पास, इस तरह से कुछ बना होगा और हमारा दिमाग कहेगा भाई ये क्या बना रखा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है. अभी देखो पूरा कंप्लीट एक वीडियो में नहीं समझा सकता, एक बात में इसमें नहीं समझा सकता कि ये पूरा एक्सप्लेन करूं. मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि ये करना ही क्यों है, ये करना ही क्यों है, ये टॉलरेंस किस तरह से देने हैं और कहां कहां कैसे कैसे टॉलरेंस दे सकते हैं. तो हमारे पास उसको दिखाने के लिए, इसको दिखाने के लिए अलग अलग तरह के हमारे हो सकते हैं टॉलरेंस, किस किस में, उसकी फॉर्म कैसी है, उसकी प्रोफाइल कैसी है, ओरिएंटेशन कैसी है, लोकेशन कैसी है, रनआउट कैसा है, उन सब में हमारे पास कुछ सिंबल्स है. उस सिंबल की मदद से हम उसको बताएंगे कि इतनी कितनी कहां कहां कैसे टॉलरेंस दी हुई है. ओके, अगर मान लीजिए सबसे पहले मैं देखता हूं तो हमारी फॉर्म के हिसाब से देखते हैं. अगर हम कहें कि हमारे पास भाई साहब स्ट्रेटनेस बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, चीज बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तो हम सिर्फ ऐसे एक सिंबल बना देंगे, सिंपल सीधा एक सिंबल बना देंगे कि स्ट्रेटनेस, स्ट्रेटनेस, और इसमें भी टॉलरेंस दे देंगे कि इतनी सी टॉलरेंस आप ले सकते हो, 0.003 की टॉलरेंस है, इतनी बर्दाश्त कर लेंगे हम, लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए वो चीज. ऐसे नहीं है कि आपकी शाफ्ट अगर बनाने लगो, मान लीजिए मैं एक शाफ्ट बनाना चाहता हूं और आप जब बनाने लगे उस शाफ्ट को, मैंने बोला बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ऐसी, लेकिन भाई साहब इतनी परफेक्ट कैसे बने, तो हम मान लीजिए मैं बनाने लगा और हल्की सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई बीच में, ऐसे ये देखो लाइन ही मेरी, मेरा लाइन देखा कहां और ये और कहां ये, इसमें स्ट्रेटनेस नहीं आ सकी, स्ट्रेटनेस नहीं आ सकी. तो ये स्ट्रेटनेस के लिए कितना टॉलरेंस देना है, ये जी डी एन टी बताएगा, ये बताएगा. अगर फ्लैटनेस की बात करें कि ये देखो ये एक लाइन है, ये एक सरफेस दिखा दिया फ्लैटनेस का, कि फ्लैट है या नहीं है,
कोई सरफेस फ्लैट है या नहीं है, सही तरह से फ्लैट बनाया गया है या नहीं बनाएगा, उसके लिए इस तरह का सर्कुलरिटी, सर्कुलरिटी अगर कोई डायमीटर कोई चीज इस तरह से बन रहा बिल्कुल सर्कल क्लियर है या नहीं है, परफेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा सर्कल। इसलिए तो आप जब कंपनीज में काम करते हो हमें लगता है यहाँ पे ये क्या सिंबल है, वहां जब जाते हो ये सिंबल मुझे पता नहीं, उस दिन तो सर मैं कैंटीन में चाय पी रहा था या मेरे दोस्त की बर्थडे की पार्टी थी, हमने पढ़ाई नहीं इसके बारे में या टीचर भी पढ़ाते नहीं है, ठीक है। चलिए सर्कुलरिटी बिल्कुल सर्कल एकदम, और उसमें भी हम टॉलरेंस देते हैं कि अगर कोई बात नहीं थोड़ी बहुत सर्कुलरिटी इधर उधर हो गई तो हम चला लेंगे, हल्का फुल्का इधर उधर सर्कुलरिटी अगर हुई तो हम चला लेंगे, उसमें टॉलरेंस दे देंगे। और इसमें अगर देखें तो स्ट्रेटनेस हम दिखाते हैं शाफ्ट की, ये देखो स्ट्रेटनेस ऐसी होनी चाहिए, स्ट्रेटनेस ऐसी होनी चाहिए तब हम देखते हैं। फ्लैटनेस हम देखते हैं किसी सरफेस टेबल है, टेबल की फ्लैटनेस हम देखना चाहते हैं। सर्कुलरिटी हम देखना चाहते हैं कि सर्कुलरिटी सही हो उसकी, तो हम इस सिंबल्स का यूज करते हैं। इन सिंबल को याद कर लो, आपको सिंबल के बारे में से एमसीक्यू पूछा जाता है। हम प्रोफाइल की बात करें तो इसकी लाइन प्रोफाइल, एक लाइन है, एक लाइन के साथ प्रोफाइल कैसी बन रही है उसकी, उस लाइन की या उसकी सरफेस की प्रोफाइल कैसी बन रही है, पूरा सरफेस की, ये कुछ इस तरह से है। ये देख लीजिए हमारे पास एक लाइन है इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से एक लाइन चल रही है, ये प्रोफाइल, या ये पूरा इस तरह से, ये सरफेस की प्रोफाइल कैसी बन रही है, सही बन रही है या नहीं बन रही है, टॉलरेंस देनी है कितनी देनी है। बस आपको क्या करना है, इस सिंबल्स को याद करना है कि अगर ऐसा बना हुआ है तो ये लाइन प्रोफाइल है, अगर इस तरह से बना हुआ है तो सरफेस प्रोफाइल है। इस सिंबल को आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे ओरिएंटेशन, एंगुलैरिटी, एंगल आपका कितना एंगल, मान लीजिए मैंने बोला 30 डिग्री का एंगल है तो 30 डिग्री के एंगल को दिखाने के लिए हम एंगल बनाएंगे और साथ में लिख देंगे कितनी इसके अंदर हम दे सकते हैं टॉलरेंस दे सकते हैं। परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलरिटी बोल देते हैं, तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर का साइन बना देंगे कि एग्जैक्ट होना चाहिए 90 डिग्री ऐसे होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। जैसे हम दीवार बनाते हैं, घर की दीवार बनाते हैं, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर आप गलती से एक भी डिग्री इधर करके देख लो पता लग जाएगा घर नीचे आ जाएगा। पैरेललिज्म, पैरेलल होना चाहिए बिल्कुल, ओके। पोजीशन, कहां पर आप मान लीजिए होल बना रहे हो तो कहां पे किस पोजीशन पे आप होल बना रहे हो, ओके। सर कॉन्सेंट्रिसिटी है, कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, दो होल आपस में इस तरह से बन रहे हैं तो वो कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए। सिमेट्री होनी चाहिए, दो चीजें आपस में सिमेट्री में बन रही हैं। सर्कुलर रनआउट है कि हमारे पास ये रनआउट के लिए अलग से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें वीडियो बना दूंगा। टोटल रनआउट, तो ये दो तरह के रनआउट होंगे, इसके लिए सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल याद कर लो बस। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये देखो एंगल के दिखाने के लिए, ये देखो एंगुलरिटी का साइन, ठीक है, और साथ में इसका क्या टॉलरेंस का हमने बता दिया कितनी टॉलरेंस हम बर्दाश्त कर लेंगे। और अगर हम देखते हैं यहां पर परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो दो आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं, ये देखो परपेंडिकुलर का साइन और साथ में हमारे पास जो है टॉलरेंस को दिया हुआ है। इनके सिंबल याद करने हैं और आपको ये पता होना चाहिए क्यों करना है, मतलब पढ़ना ही क्यों है। अगर ये पता लग जाता है क्यों, तब मजा ज्यादा आता है किस चीज को पढ़ने का। तो ये जी एंड जी डी एंड टी का बेसिक बातें थी। इसी तरह टॉलरेंस का जोन, ये देखिए पोजीशन का, ये भी पिक्चर आपको पता लग जाएगी कहां पे आप किसी चीज को बनाना चाहते हो। ये देखो ये यहां पे था और एक्चुअली में यहां पे आपसे हो गया, थोड़ी सी इधर उधर हो गया, तो हम इसको भी पोजीशन वाले को भी इस तरह सिंबल को यूज करते हैं, पोजीशन वाले सिंबल को इस तरह से यूज करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि जी डी एंड टी जो है वो किस तरह के सिंबल यूज करते हैं और करते ही क्यों है, ताकि हम सीधा बता सके भाई साहब ये सिंबल देख लो, सिंबल से आपको पता लग गया इसकी हम टॉलरेंस इतनी दे रहे हैं। टॉलरेंस क्या है, डायमेंशनल टॉलरेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। समझ आया या नहीं एक बार बता दो मुझे, बताते नहीं हो आप, अगर आप बताओगे तो मुझे भी पता लग गया कि हाँ आपको समझ आया या नहीं आया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप SSC जेई, RRB जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं, ऑल इन वन AEJEE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री MCQs भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने SSC जेई, RRB जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।